कोस्ट लाइन लगभग 7,517 किलोमीटर की है, जो से इम्पोर्टेंट ओशनिक ट्रेड रूट्स का एक्सेस प्रोवाइड करती है और ओशन के थ्रू भारत के इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं भारत के 12 मेजर सी पोर्ट्स। पहला है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गल्फ ऑफ कच्छ के पास सिचुएटेड कांडला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट, जो भारत का वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग पोर्ट है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या न्हावा शेवा पोर्ट, जो महाराष्ट्र में नवी मुंबई के पास सिचुएटेड है। ये भारत का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। थर्ड है भारत का लार्जेस्ट पोर्ट यानी मुंबई पोर्ट, जहां नेचुरल डीप वाटर हार्बर भी मौजूद है। नेक्स्ट है गोवा में सिचुएटेड भारत का वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल हार्बर और वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न पोर्ट मोर्मुगांव पोर्ट। फिर है कर्नाटका का न्यू मैंगलोर पोर्ट, जिसे पहले पेनम्बूर सी पोर्ट के नाम से जाना जाता था और ये दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसके बाद है केरला का कोचिन पोर्ट, जहां इंडिया की लार्जेस्ट कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है। अगला है भारत का यंगेस्ट पोर्ट यानी अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। तमिलनाडु में है तूतीकोरिन पोर्ट, जो आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर है और ऑल वेदर पोर्ट है। तमिलनाडु में ही भारत का सेकंड लार्जेस्ट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट चेन्नई पोर्ट भी है। आंध्र प्रदेश में है वाइजैक पोर्ट, जो भारत का लार्जेस्ट शिपयार्ड है। फिर है ओडिशा का पारादीप पोर्ट और सबसे लास्ट में है वेस्ट बंगाल का हल्दिया पोर्ट। ये सभी 12 पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑपरेटेड हैं। इनके अलावा चेन्नई के एनोर पोर्ट है, जो कि एक कॉर्पोरेट पोर्ट है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स की। दोस्तों, इस वीडियो की इम्पोर्टेंस क्लास 12th और CUET एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा है, तो इसे सेव जरूर करिएगा और उन तक इसे पहुंचाइएगा जरूर।